अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर जुबानिया सलीम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इसमें हम बच्चों के जिस मसले के बारे में आज बात करेंगे वो है खून की कमी। खून की कमी को हम अनीमिया भी बोलते हैं। ये बच्चों का बहुत बड़ा मसला है। हर दूसरा बच्चा हमें से खून की कमी का शिकार होता है। उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह ये है कि बच्चों को खुराक में फौलाद नहीं जाता। खून बनता है फौलाद की वजह से। अब फौलाद नहीं जाएगा, बनाने का प्रोसेस हमारा ठीक भी हो तो बॉडी फौलाद बना, फौलाद की वजह कमी की वजह से खून बनाने से कासिर होती है। क्यों बच्चों में खून नहीं है, खून की कमी है, क्यों फौलाद हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनता, क्यों हमारी डाइट से नहीं जा रहा, उसकी बड़ी वजह है कि हमारी खुराक में फौलाद है ही नहीं। हमारे बच्चे ज़्यादातर दूध पीते हैं, खुला दूध हो, फार्मूला फीड हो या मदर मिल्क हो। पैदाइश से लेके डे वन से लेके माएँ बच्चों को दूध ही देती हैं, किसी और ठोस गज़ा की तरफ लेके ही नहीं आती। सिक्स पहले पैदाइश से लेके 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध चाहिए होता है। माँ के दूध में तो फिर भी फौलाद कुछ ना कुछ चला जाता है, लेकिन खुला दूध, गाय भैंस का दूध, उसके अंदर फौलाद नहीं होता। आप 6 महीने से लेके बच्चे को ठोस गज़ा जब शुरू कराते हैं उसके अंदर फौलाद का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फौलाद हमारे पास किन चीज़ों में आता है? खजूर के अंदर फौलाद बहुत अच्छा होता है, आम के अंदर फौलाद बहुत अच्छा होता है, सेब के अंदर फौलाद बहुत अच्छा होता है, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक हो गई, मटर हो गए, इनके अंदर फौलाद बहुत अच्छा होता है। गोश्त फौलाद का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, देसी चिकन, कोई भी पोल्ट्री, वो उसके अंदर फौलाद एक अच्छी मकदार में होता है। हमारा ये कि हमें अपने बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में फौलाद देने की ज़रूरत होती है। जैसे ही बच्चा 6 मंथ ऑनवर्ड आता है हमें उसको ठोस गज़ा में फौलाद देना चाहिए। चाहे वो आप सीरियल्स की फॉर्म में दे रहे हों, सीरियल उसमें आयरन की एक अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, या आप उसको जूसेस की फॉर्म में दे रहे हों, एप्पल का जूस बना दिया, मैंगो का जूस बना दिया, बनाना शेक बना दिए, खजूर का मिल्क शेक बना दिया, ये सारी चीज़ें एक अच्छा सोर्स है कि बच्चे को फौलाद चला जाए। आप उसको लेंटल्स की फॉर्म में फौलाद दे सकते हैं कि आप उसको खिचड़ी बना दें, उसके अंदर आप बीन्स, जो रेड बीन्स होते हैं उसके अंदर फौलाद की क्वांटिटी है, वेजिटेबल्स हैं, पीज है आपके पास, वो आप उसके चावलों का हिस्सा बना दें, या आप गोश्त की शक्ल में, बेसिकली यखनी हो, नमक वाला सालन हो, जो बच्चे आराम से विदाउट स्पाइसिस खा सकें, आप उसकी फॉर्म में दें। 6 मंथ से स्टार्ट करें। पहले बच्चा ठोस गज़ा बोलस की फॉर्म में नहीं ले सकता, लुकमा छोटा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता 6 मंथ से लेके 8 मंथ तक हम बच्चे की ठोस गज़ा की क्वांटिटी भी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, हम उसकी शक्ल भी जो है वो चेंज कर देते हैं कि बच्चा ले जो उसको आराम से डाइजेस्ट कर सके, जो आराम से निगल सके, ताकि बच्चे को किसी खाने में उसके रुकावट ना हो। तो अगर आप हम अपनी खुराक में बच्चों की फौलाद शामिल करना शुरू कर देंगे तो हमारे बच्चे फौलाद की कमी का शिकार नहीं होंगे। फौलाद एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चे की खुराक में फौलाद नहीं जा रही, बच्चा उनकी कमी का शिकार है, तो उसकी ज़हानत मुतासर होती है, उसकी इमोशनल जो है उसका बिहेवियर मुतासर होता है, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुतासर होती है, बच्चे बार बार बीमारियों का शिकार होते हैं और बार बार हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो ठोस गज़ा में फौलाद को ज़रूर डालें, बच्चों को 6 महीने से ऑनवर्ड फौलाद देना स्टार्ट कर दें। थैंक यू। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए अल्लाह।